सेफ महसूस करता है क्योंकि वहां पर कोई कंपटीशन नहीं होता। और आज हमारी लाइफ में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमें सबसे ज्यादा लोग जो फ्रस्ट्रेटेड है वो कंपटीशन की वजह से है कि सर काम तो मैं कर लूं लेकिन अगर मेरी कॉम्पिटेटिव अगर कोई है तो वहां पर मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपको बताता हूँ कि कॉम्पिटिशन क्या है, फिर हम स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेंगे। कि एक चिड़िया का बच्चा जब अंडे में होता है तो उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं होता, और कंपटीशन की शुरुआत पहले परिवार से होती है, मतलब आपस में कंपटीशन। और मैंने कहा था टीम ए और टीम बी, दोबारा से मैं दिखाता हूं, हैंड्रिक टीम ए एंड हैंड्रिक टीम बी। पहले आपस में कंपटीशन तो करना सीखो, जब आपस में कंपटीशन करेंगे तभी हम लीडिंग कॉम्पिटिटर्स को फाइट कर पाएंगे और अपने ब्रांड को इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर टॉप पर लेकर जाएंगे। एक चिड़िया के बच्चे की कहानी है जो जन्म से शुरू होती है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ी होगी, एक बार उसको याद कर लेते हैं कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। फिर थोड़े दिन बाद वो अंडा फूटा, उसमें चिड़िया का बच्चा बाहर निकला तो उसने देखा अरे मैं तो यहाँ अकेला हुई नहीं, यहाँ पर तो मेरे जैसे चार अंडे पहले से थे, मतलब हम पांच लोग हैं एक ही परिवार के और कंपटीशन है। कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। दाना चुगने के लिए जहां वो अंडे में अकेला था वहां उसका कॉम्पिटिशन अपने ही भाई बहन से, अपने ही परिवार के सदस्यों से हुआ, दाना लेने के लिए अपनी माँ से उसको फाइट करनी पड़ी। कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल पड़ा शाखों पर, चिड़िया का बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, उसने सोचा चार पांच बहन भाई से कॉम्पिटिशन है ना, यहाँ तो मैं ताकतवर हूँ जीत ही जाऊंगा। हमें से बहुत से लोग कहते हैं ठीक है मेरी सेल्स टीम में मुझसे एफर्ट कोई कर लेगा क्या, मुझसे एफर्ट्स कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, फिर मैं निकल पड़ा शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। अभी वो सोचता रहा मेरा कंपटीशन इस पेड़ के छोटे से घोंसले पर है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ उसने देखा इस पेड़ पर एक घोंसला नहीं है, इस पेड़ पर 20 से अधिक शाखाएं हैं और हर शाखा पर एक घोंसला लगा हुआ है। कि फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। और आखिर जब मैं उड़ा गगन में अपने पंख पसार, तब मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार। और इस संसार में कंपटीशन के दौर में जो व्यक्ति अपने आप को सक्षम बना पाएगा वही अपने जीवन में हर बुलंदी को हासिल करेगा। तो टीम ए, टीम टीम हैंड्रिक टीम ए। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम में लोग कम है या ज्यादा, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके अंदर कितना जोश और जुनून है। हमारे देश में दो प्रधानमंत्री हुए, दोनों का पद समान है, दोनों का लेवल इक्विवेलेंट है। एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुए और एक प्रधानमंत्री श्री, मुझे पता था आप ये कहेंगे, दो प्रधानमंत्री नहीं, बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री होते आए हैं। सिर्फ फर्क है टीम लीडर के जोश जज्बे और जुनून का। यदि हम में से हर व्यक्ति टीम लीडर की तरह जोश जज्बे और जुनून से बात करेगा तो अपनी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से रख पाएंगे। और इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम में लोग कम है या ज्यादा, फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आपकी टीम में कम या ज्यादा होने के बावजूद भी कितने लोग अपना 100% एफर्ट करने के लिए तैयार हैं। एक ट्रायल कर लेते हैं फ्रेंड्स, किसी भी चीज को अगर मैं पूछता हूं यस तो यू हैव टू से, अगर आप उसको एग्री करते तो क्या कहेंगे, और अगर उसको एग्री नहीं करते तो यस। जब भी हम बोलते हैं तो वो वर्ड्स हमारे लिप्स से आते हैं, यस ट्राई टू से एक बार बोल के देखें, यस है ना। लेकिन अगर हम यो बोलते हैं, यो हम क्या बोलते हैं, यो बोलते हैं तो हमारे लिप से नहीं आते, वो हमारे ऐप से आते हैं। चेक कर लीजिए एक बार, चेक करते हैं, यस 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 यो 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 जो वर्ड है वो हमारे ऐप से आता है। ठीक है, आप चेक कर लेते हैं दोनों में कौन सी टीम मजबूत है। एक बात ध्यान रखना, केवल अपनी टीम के लिए काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर गलती से हम दूसरी टीम के लिए भी काम कर रहे हैं ना तो भी हम इनडायरेक्ट रूप में दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर गलती से आप वोट डालने जाएं और बीजेपी का वोट डालने जा रहे हो और गलती से कांग्रेस दब जाए तो इनडायरेक्ट वे में आपने डबल काम उनका कर दिया, एक तो अपने को दिया नहीं और एक दूसरे को दे दिया। इज दैट फाइन? तो
तो चेक कर लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं एक्साइटेड तो यू हैव टू से यो, क्योंकि मॉर्निंग है और शाम तक हमें चलना है। तो लेट मी चेक हाउ मच यू आर एक्साइटेड। एक्साइटेड यो, एक बार सारी टीम एक साथ करते हैं, एक्साइटेड यो, एक्साइटेड यो। ठीक है, पता लगा ना ऐप से आ रहा है, यस और नो? यस। ठीक है, थोड़ा सा और